करते हैं 10 साल की एक छोटी सी बच्ची की जो 5वीं क्लास में पढ़ती है और अपनी पढ़ाई के लिए उसने जो जुनून दिखाया आज उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। जमशेदपुर की रहने वाली तुलसी को ऑनलाइन क्लास के लिए फोन की जरूरत थी और इसके लिए उसने आम बेचने की शुरुआत की और सोशल मीडिया की वजह से उसे अपने आमों की ऐसी कीमत मिली जिससे उसके आगे पढ़ने का सपना पूरा हो पाएगा। जमशेदपुर की रहने वाली तुलसी के हाथ में आज स्कूल बैग है। वो किताबें पलट रही है, किताबों में लिखी कविताओं को पढ़कर सुना रही है। कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लाइफलाइन बना मोबाइल फोन भी उसके हाथ में है और अपनी पढ़ाई के लिए जुनूनी तुलसी अपना पूरा वक्त पढ़ाई को दे पा रही है। अभी तक देखने और सुनने में तुलसी की कहानी भले ही एक आम बच्ची की कहानी लगे, लेकिन ये कहानी बेहद खास है और ये कहानी कुछ आमों की वजह से बेहद खास बनी है। ये वो आम है जो तुलसी की पढ़ाई जारी रखने में मददगार बने हैं और ये आम भी मामूली आम नहीं। अब आप यहाँ पर दिख रहे एक आम की कीमत का अंदाजा लगाइए, 10 या 100 रुपए नहीं। तुलसी के हाथों से बिके एक आम की कीमत 10,000 रुपए है और तुलसी ने ऐसे एक दो नहीं पूरे 12 आम बेचकर 1,20,000 रुपए कमाए हैं। सर लोग खरीदे 10,000 एक आम का। कितना आम? 12 आम। पैसे मिल गए? हाँ, 1,20,000 रुपए आ गए। फोन भी ले दिए हैं। चलिए अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। कोरोना काल में पिता के पैर टूटने की वजह से घर की माली हालत खराब हो गई, जिस वजह से क्लास 5th में पढ़ने वाली तुलसी की पढ़ाई रुक गई। उसे ऑनलाइन क्लास के लिए एक मोबाइल चाहिए था जो उसके परिवार वाले उसे दिला नहीं सकते थे, लेकिन तुलसी ने हार नहीं मानी और मोबाइल फोन खरीदने के लिए उसने बागों से आम चुनकर उसे सड़क पर बेचने का काम शुरू कर दिया। लॉकडाउन में वो आम बेचते थे रोड में बैठ के, फिर जो उसको पढ़ाई का जरूरी था वो पढ़ने के लिए, बच्चा तो पढ़ेंगे लिखेंगे, जिद्दी में वो निकल गया कि नहीं। हम एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।